देश में अगले कुछ दिनों में होने वाले उपचुनावों में वायनाड सीट में भी चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों प्रियंका गांधी ने इस सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। वायनाड सीट पर चुनाव लड़कर पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही प्रियंका इस सीट के लिए काफी उत्साहित भी हैं। इसी बीच अब प्रियंका ने वायनाड के लोगों के लिए एक लेटर भी लिखा है। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रियंका ने वायनाड की जनता के लिए ये लेटर लिखा है। अपने इस लेटर में प्रियंका ने लिखा कि कुछ महीने पहले मैंने अपने भाई राहुल के साथ लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों चूरामला और मुंडकई में यात्रा की थी। मैंने लैंडस्लाइड से हुई तबाही और आपको हुए नुकसान को गहराई से देखा। मैं उन बच्चों से भी मिली जिन्होंने अपने सभी प्रियजनों को खो दिया था। वे माताएं जो अपने बच्चों के लिए शोक मना रही थी, और ऐसे परिवार से मिली जिनका पूरा जीवन प्रकृति के प्रकोप से नष्ट हो गया। फिर भी आपके साथ हुई त्रासदी के बावजूद बीते दिनों आप लोगों ने बिना किसी लोभ लालच के एक दूसरे की मदद की, वो तारीफ के काबिल है। साथ ही प्रियंका ने आगे लिखा कि डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, नर्सें, हाउसवाइफ, हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो कर रहा था। कोई भी दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर रहा था। वहीं इसके साथ उन्होंने कहा कि अपने नामांकन के बाद जब मैं घर लौट रही थी तो मुझे लगा कि संसद में आपका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात होगी। आपसे सीखना, आपके जीवन और आपके सामने आने वाली चुनौतियों को समझना और इस साहसी समुदाय का हिस्सा बनना एक सम्मान की बात है। साथ ही राहुल और वायनाड के रिश्ते पर बात करते हुए उन्होंने लिखा कि आपने मेरे भाई को बहुत प्यार दिया है और मैं जानती हूँ कि उसने इसके बदले में पूरी तरह से खुद को न्योछावर किया था। लेकिन जब उसने मुझसे वायनाड के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार बनने के लिए कहा तो राहुल के दिल में गर्व और दुख का मिश्रण था। अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति और आपके साथ अपने सच्चे और गहरे बंधन पर गर्व और आपको छोड़ने का दुख राहुल के चेहरे पर साफ दिख रहा था। मैंने उनसे वादा किया कि मैं इस संबंध को और गहरा करूंगी और वायनाड की जनता का प्रतिनिधित्व भी उसी तरह करूंगी जैसे आप चाहते हैं। वहीं आखिरी में प्रियंका ने लिखा, हम साथ मिलकर आपकी क्षमताओं को बढ़ाने और आपके भविष्य को मजबूत करने के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। मेरी बहनें मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं महिलाओं के लिए अवसर पैदा करने और उन्हें अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने की आजादी की जरूरत को गहराई से महसूस करती हूँ। यहाँ तक कि संस्कृति से लेकर यहाँ के प्राकृतिक उपहारों को मैं सहेज कर रखूंगी। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।